आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। फरवरी माह में वैसे थोड़ी सी गर्मी आपको महसूस हो रही होगी। मंगलवार 6 फरवरी को सर्द हवाएं चली, पर ये हवाएं उस तरह नश्तर के मानिंद नहीं चुभी जिस तरह जनवरी के अंतिम सप्ताह में चुभ रही थी। दरअसल तापमान कुछ ज़्यादा था, ये ठंडी हवाएं बसंत का एहसास भी कराती दिख रही थी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। बुधवार 7 फरवरी 2024 को अचानक ही सिवनी शहर शिव की नगरी में कोहरा छा गया। कोहरे के आगोश में शिव की नगरी सुबह सवेरे दिखाई दी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सुबह सवेरे जब लोग सोकर उठे, जो सुबह घूमने जाते हैं, सैर पर जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए प्रति बहुत सचेत हैं, जब वे सड़कों पर निकले घरों से तो उन्हें कोहरे से वे दो चार हुए। कोहरा छाया हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा था। सिवनी शहर और शहर के आसपास जो शहर से लगा हुआ इलाका है, उपनगरीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर कोहरा थोड़ा ज़्यादा दिखाई दिया। चूँकि वो खुला क्षेत्र था इसलिए कोहरा वहाँ थोड़ा ज़्यादा था। यह हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए सिवनी की मॉडल रोड पर कोहरा किस कदर दिखाई दे रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। आपको कोहरा दिखाई दे रहा होगा। कोहरे के आगोश में एक बार फिर सिवनी शहर 7 तारीख को सुबह हवाएं चलती रहीं और दोपहर लगभग 4 बजे के बाद जो हवाएं चली वे थोड़ा सर्दी का एहसास कराती रहीं। वैसे 6 तारीख को अर्थात फरवरी में, मंगलवार 6 फरवरी को शाम की हवाएं थोड़ी सर्द ही प्रतीत हुईं। सुबह सवेरे भी सर्दी का एहसास हुआ, बहुत ज़्यादा सर्दी का एहसास हुआ, पर 8:30 बजते ही जैसे ही भगवान भास्कर प्रकट हुए उसके बाद कोहरा काफ़ी हद तक कम ही दिखाई दिया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। दलसागर तालाब की चौपाटी का नज़ारा हम दिखा रहे हैं। चौपाटी पर के साथ ही आप अंदर देख सकते हैं, अभी भी NGT के निर्देश के बाद प्रशासन के द्वारा यहां सफाई नहीं कराई गई है और दलसागर अपनी खुद की जो बर्बादी और बेतरतीब तरीके का दलसागर कर दिया गया है, इस पर कहीं ना कहीं आंसू बहाता दिखाई दे रहा होगा। दलसागर खुद अपनी कहानी कहता हुआ दिख रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। यहाँ आपको दिख रहा होगा कोहरे में पीछे का दृश्य काफ़ी कम दिख रहा होगा, दृश्यता वास्तव में बहुत ही कम नज़र आती हुई आपको दिख रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे का जो नज़ारा है, पीछे का नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं और भैरवगंज की ओर, भैरवगंज की तरफ जो झाड़ दिख रहे होंगे, MLB के सामने के वृक्ष दिख रहे होंगे, वैसे दृश्यता अगर रहती तो ये स्पष्ट दिखाई देते, पर अभी फ़िलहाल में ये सब स्पष्ट तौर पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अपनी बर्बादी पर आंसू बहाता हुआ दलसागर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। बुधवार सुबह का नज़ारा आप यहां देख रहे हैं। बुधवार की सुबह ग्रामीण अंचलों में किस तरीके का नज़ारा रहा, किस तरह का कोहरा रहा, ये भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। वास्तव में एक ये अद्भुत नज़ारा था जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। ये एक बार और आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं भगवान भास्कर प्रकट होते दिख रहे हैं। किस तरह सिवनी का नज़ारा है, ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह सवेरे का नज़ारा, कोहरे से अटी शिव की नगरी, भगवान शिव की नगरी में कोहरा यहाँ दिखाई दे रहा होगा। वास्तव में सुबह जैसे ही लोग सोकर उठे उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोहरा इस कदर बढ़ता हुआ दिखाई दे जाएगा शिव की नगरी में। मौसम एकदम से बदलता हुआ दिखाई दिया और जब जैसे ही 7:30 या 8 बजे का समय हुआ उसके बाद कोहरा काफ़ी हद तक रुका हुआ
थमा हुआ दिखाई देने लगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सिवनी शहर शिव की नगरी, यहाँ गर्मी का आगाज वैसे तो हो गया, गर्मी का आगाज लग रहा था कि गर्मी आ चुकी है, पर उस सब के अलावा यहाँ पर एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं ये मॉडल रोड का नज़ारा। और मॉडल रोड में सर्किट हाउस के बाजू वाली सड़क आपको दिखाई दे रही होगी, कोहरा काफ़ी हद तक, अब कोहरे के बादल छटते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों का कहना है कि तापमान में कमी तो दर्ज शायद ही हो पाए, पर कोहरा, यहाँ पर कोहरा आपको जो दिखाई दे रहा है वो कोहरा संभव है कि 8 फरवरी को भी एक बार फिर कोहरा के आगोश में सिवनी शहर एक बार फिर आने की उम्मीद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा बताई गई है। कोहरे के चलते वाहन के चलाने में सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है। अगर आप वाहन चला रहे हैं और कोहरा कहीं दिखाई दे रहा है, दृश्यता कम है, तो वाहन की गति बहुत ज़्यादा ना रखी जाए, वाहन की गति को नियंत्रित करके रखना बहुत ज़रूरी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये बाहुबली चौराहे का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। बाहुबली चौराहे पर भी हल्का फुल्का कोहरा आपको सुबह सवेरे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, दृश्यता वैसी नहीं है। ये सुबह का नज़ारा है, एकदम सुबह का नज़ारा है। यहाँ कचरा भी आपको दिखाई दे रहा होगा। साफ सफाई के लिए जिला कलेक्टर क्षितिज सिंगल पूरी तरह फिक्रमंद नजर आ रहे हैं, पर नगर पालिका परिषद जिस तरह से काम कर रही है वो कहीं ना कहीं पालिका के अधिकारियों की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए दिख रही है। पुराना आरटीओ की ओर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की टीम जाती हुई, और यहां पर भी दृश्यता काफ़ी हद तक कम ही नज़र आ रही है, आवाजाही बहुत कम है, लोग गर्म कपड़े पहने सुबह सवेरे नज़र आ रहे हैं। आवारा मवेशी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, कचरा भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आवारा श्वान भी यहाँ पर दिख रहे हैं। समाचार, ये देखिए एक बैल भी यहाँ से जाता हुआ आपको दिख रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये सारी खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आप लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।